इस तरफ आप देख सकते हैं हेडफोन वगैरह। क्या प्राइस होता है इन सबका? होलसेल होता है लगता है ना, तो क्या प्राइस होता है? तो प्राइस होता है आपका 15 रुपया 50 पैसा। 15 रुपया 50 पैसे में बिहार वगैरह में या आसपास के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गजट बेचे जाते हैं तो उन सबको होलसेल में ख़रीदा जाता है फैंसी मार्केट से। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। ये सारा हेडफोन जो 15 रुपया 16 रुपया का प्राइस है ये आपको 100 से 120 के रेंज में आपको देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं कोलकाता में और आपको दिखाने वाला हूँ फैंसी मार्केट। यहाँ पे लोग दो काम के लिए आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, साथ ही साथ कपड़ों को बाय करने के लिए भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो आपको करवाने वाला हूँ फैंसी मार्केट का फुल टूर, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो खिदिरपुर बस स्टैंड से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं आप चारों तरफ से जो है ना गैजेट वगैरह आप देख सकते हैं। मोबाइल वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, नए मोबाइल अगर आप न्यू फ़ोन बाय करना चाहते हैं और साथ ही साथ में आपको चाहिए उसके साथ में डिस्काउंट, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। आप देख सकते हैं ये सब मोबाइल शॉप वगैरह है, चारों तरफ से आपको दुकान ही दुकान दिखने वाली है, पूरा का पूरा मोबाइल शॉप, इस तरफ में भी मोबाइल शॉप। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं वो भी ब्रांड न्यू, तो आप फैंसी मार्केट में आ सकते हैं। सब मोबाइल शॉप है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। या आप मोबाइल लेना चाहते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह लेना चाहते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बाई करना चाहते हैं तो आप फैंसी मार्केट में आ सकते हैं। आपको यहाँ पे मोबाइल का अच्छा प्राइस मिल जाएगा, साथ ही साथ सारा ब्रांड न्यू होता है तो उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे चलते जाएंगे आपको दुकानें वगैरह दिखती रहेंगी दोनों साइड में, और यहाँ पहुँचना काफ़ी इजी होता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो खिदिरपुर बस स्टैंड से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आ सकते हैं, बिल्कुल वहीं से मान कर चलिए कि स्टार्ट हो जाता है फैंसी मार्केट। ये आप दोनों साइड में देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल गैजेट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए फैंसी मार्केट सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता फेमस है सस्ते सामानों के लिए, तो अगर आप सस्ते मोबाइल गैजेट वगैरह लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं तो आप फैंसी मार्केट में आकर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल एसोसरीज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत ही बड़ा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा फैंसी मार्केट कोलकाता में। इस तरफ आप देख सकते हैं हेडफोन वगैरह। क्या प्राइस होता है इन सबका? होलसेल होता है लगता है ना, तो क्या प्राइस होता है? तो प्राइस होता है आपका 15 रुपया 50 पैसा। 15 रुपया 50 पैसे में तो एक हेडफोन आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया 50 पैसे में, तो इतने कम प्राइस में। लेकिन आपको बल्क में लेना पड़ता है ना, कितना पीस लेना होगा इसका? 15-50 में ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 पीस। 100 पीस कम से कम, अगर आप 100 पीस लेते हैं तो ये 15-50 का पड़ जाता है। और अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो वही 80 से 90 के रेंज में बिक जाता है। कस्टमर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको होलसेल में प्राइस मिल जाता है और आप फिर अपने कस्टमर के हिसाब से उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर लाइट है और उधर पे टॉर्च है, हेडफोन वगैरह का सारा आइटम इनके पास में है। यहाँ पे पहुँचने के लिए कैसे आ सकते हैं? खिदिरपुर फैंसी मार्केट। वैसे आपके शॉप का क्या नाम? ये है आपका निको प्लाजा है, ये मार्केट का नाम निको प्लाजा मार्केट है। सामने एक मोबाइल वाड़ी है, मतलब ये आप देख सकते हैं मोबाइल वाड़ी। अच्छा, मोबाइल वाड़ी,
मोबाइल वाड़ी उसके अपोजिट में है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। निको प्लाजा, तो ये इसको बेसिकली कहा जाता है निको प्लाजा, ये वहाँ से स्टार्ट होके और आगे तक जाता है। ये सारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए जाना जाता है फैंसी मार्केट, बहुत ही कम प्राइस में है, बिल्कुल होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी दुकान वगैरह के लिए भी रिसेल सेल करने के लिए भी अगर आप चीज़ों को बाय करना चाहते हैं तो फैंसी मार्केट आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। बिहार वगैरह में या आसपास के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचे जाते हैं तो उन सबको होलसेल में ख़रीदा जाता है फैंसी मार्केट से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। ये सारा हेडफोन जो 15-16 रुपया का प्राइस है ये आपको 100 से 120 के रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये कवर है। अच्छा, इसका होलसेल में कितना प्राइस पड़ता है कवर का? 35 रुपीज़ का, और इसी को 100 और 120 में लोग बेचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कवर का ही शॉप है इनका, मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ कवर है, फ्लिप कवर और सारा कवर कवर बैक। तो होलसेल में जो लोग बेचते हैं बिहार वगैरह में तो यहीं से लेकर जाते हैं। तो मोस्टली ये जो फैंसी मार्केट है वो होलसेलर के लिए ही जाना जाता है, होलसेल करते हैं और कम प्राइस में आपको चीज़ें यहाँ से मिल जाती है और उसको आप सेल कर सकते हैं अपने स्टेट और अपने टाउन वगैरह में। तो भाई होलसेलर के लिए, तो होलसेल आइटम अगर आप लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, मोबाइल का, कवर वगैरह का, स्मार्ट वॉचेस का, पावर बैंक का, तो उन सब चीज़ों के लिए फैंसी मार्केट आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। अंदर मार्केट में आप अंदर चले जाएंगे और आपको मोबाइल गैजेट वगैरह का कलेक्शन आपको मिलता रहेगा हर तरफ, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल की रिपेयरिंग वगैरह होती है, रीसेल भी होता है मोबाइल। अगर आप पुराने मोबाइल को बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और विद बिल, यहाँ पे बिल के साथ में चीज़ें आपको मिल जाती है। और अगर आप अपने मोबाइल को बेचना चाहते हैं तो अगर यहाँ बेच भी सकते हैं, साथ ही साथ में आप बाय कर सकते हैं और बिल्कुल क्लियर कट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं बिल के साथ में। तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराने मोबाइल को आप यहाँ दे दीजिए, उसको आप एक्सचेंज करके नया मोबाइल ले सकते हैं। नया मोबाइल सेकंड हैंड का मतलब सेकंड हैंड मिल जाएगा, जैसा जैसा आपको जो प्राइस डिफरेंट आएगा वो देना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई ह्यूज कलेक्शन ऑफ मोबाइल, आपको मोबाइल का ह्यूज कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब भी आप दुकान वगैरह भी आप खोलना चाहते हैं और आपको होलसेल प्राइस पे चीज़ें चाहिए तो आप फैंसी मार्केट में आ सकते हैं और यहाँ से बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और उसको आप अपने यहाँ सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फैंसी मार्केट का फुल टूर, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।